मैं तमाम ऑनरेबल जन सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज जश्न आजादी के मौके पर अपने कैद मियां मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से, शबाशी साहब की तरफ से, महीन बीबी हमदा शबाशी और राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से पंजाब भर में और पाकिस्तान भर में जिली हेडक्वार्टर, तहसील और जो सूबाई ऑफिस है वहां पर जश्न आजादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। और क्योंकि जश्न आजादी को सादगी के साथ मनाया, कोरोना 120 और कोरोना के मरज से 6500 अफराद का अल्लाह ताला को प्यारा होना, तकरीबन 3 लाख के करीब जो मरीज थे उनकी वजह से और दहशतगर्दी में अल्लाह को प्यारे होने वाले LOC पर अफवाज पाकिस्तान के फेफड़ों की अजमत को सलाम पेश करते हैं। और आज मैं अपने कायद मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से बतौर जिली सदर मुस्तफी ननकाना साहब, बतौर जैसा सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और 11 अगस्त को जो नैब आफिस ने कौम की बेटी मरियम बीबी पर नैब आफिस के बाहर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं मौके पर मौजूद था और जिस तरह मरियम बीबी की गाड़ी पर ब्लास्ट फेंके गए, आंसू गैस की शेल फेंके गए, पथराव किया गया और उस मौका पर मरियम बीबी की गाड़ी के शीशे का टूटना, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसका पत्थर से शीशा नहीं टूटा, ये एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, नेपटा के लिए, तमाम अदारों के लिए कि वो मरियम नवाज शरीफ पर हमला किसने किया, किसने करवाया और उसका जिम्मेदार कौन है, कि वो स्क्रीन टूट चुकी है। और उसके साथ साथ हमारे 58 पार्टी के आफिसरों को डंडे मारते हुए गिरफ्तार किया गया। अनवर सदीकी साहब जो हमारे ननकाना के नायब सदर हैं, सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, इनको और राणा हमें मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान, हमें 28 मई 1998 को एटमी दबाके करने वाला पाकिस्तान संघ, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें दो कानून हो, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। अगर हमारे कारकुन पुरमन है तो डंडे बरसाए जा रहे हैं और अगर इमरान खान साहब के साथ रहने वाले कानून भी तोड़े, पुलिस की गाड़ियों को आग भी लगाए और पथराव भी करें तो हमने तो कभी नहीं पूछा। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि मीर शकील उमर साहब की रिहाई होनी चाहिए, मीडिया के जितने जर्नलिस्ट दोस्त भाई हैं उन पर जो झूठे मनगढ़ंत मुकदमा बने हैं वो फर्ज किए जाए और तमाम सबका न्यूज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया के बनते हैं वो तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को तमाम बकाया जात दे देने चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, 1000 नहीं हजारों, तकरीबन 50,000 के करीब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट, कैमरामैन, रिपोर्टर, उनका जो अपना कंप्यूटराइज्ड स्टाफ जो है वो परेशान है। लिहाजा ये मेरी डिमांड है, मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और अनवर सदीकी साहब को अपने कैद मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से, क्योंकि मियां नवाशी साहब का हुक्म था कि जितने दोस्त डिस्टर्बाइज पकड़े गए हैं जिले का सदर और सिपाही अदार, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिले का सदर भी हूं और सिपाही का तो जैन शक्ति पंजाब, मैं अनवर सदीकी साहब के घर गया हूं, मियां नवाशी साहब की तरफ से गुलदस्ता लेकर उनको खाली तहसील पेश किया है और इनका शुक्रिया अदा किया है। और क्योंकि ये गिरफ्तार हुए थे और राणा सरोवर साहब भी गिरफ्तार हुए थे तो माशाल्लाह 58 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनको मियां नवाशी साहब ने इनका शुक्रिया भी अदा किया है। और इंशाल्लाह रात को भी जेल से रिहाई के बाद हमारे गवर्नमेंट के रात में खाना था मियां साहब की तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमारी एक और तकरीब होगी कि तमाम दोस्तों को लाहौर में मैराथन मुस्लिम हाउस बुलाया जाएगा और मजीद हम इनको खराज तहसील पेश करेंगे। मैं इस मौके पर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं पंजाब गवर्नमेंट से और मंत्री गवर्नमेंट से एक मुतालबा करता हूं
कि जो शाहकोट और जिला ननकाना के प्राजक्ष किए थे हमने, हमसे मराज पंजाब गवर्नमेंट मंत्री गवर्नमेंट, उनको मुकम्मल किया गया। हमें तख्तियां लगाने की जरूरत नहीं, लेकर उनके फंड को देकर उन मंसूबों के फंड को दूसरे मंसूबों पर नाम देने की जो कोशिश की जा रही है ये रवैया मुनासिब है। ये तारे कोट वाला जो नारा है, दो साल में उसके फंड रोक रोकता जो बना हुआ है, जब वो आगे नहीं बनेगा तो वो गिर रहा है, और गिर गिर करता समझता तो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के पैसे की हालत होनी चाहिए। और मैं तमाम सिपाही गवर्नमेंट की अफिसर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं अगर एमपीए साहब या सिपाही गवर्नमेंट काम करेंगे तो हम उनका शुक्रिया अदा करें, लेकर हमारे मनसूबों को रोका रखें, शाहपुर के तरक्याती कामों को जारी सही रखा जाए। जो आकर पर चार महीने पहले शाहपुर की पीसीसी और नालियों के लिए 10 अरब का प्रोजेक्ट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जारी किया था उस पर अमल किया जाए, ताकि शाहपुर की सारी गलियां और बाजार आप सबका सारा रोड है जो मेन रोड है उसको मुकम्मल किया जाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अनवर सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।